With Delhi Assembly dissolved now and all political parties in the state looking towards fresh polls, the Aam Aadmi Party had come up with a new statement which completely ignores the prospect of BJP of winning next elections in Delhi. Speaking to the media in the national capital today, Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia said the contest will be between Aam Aadmi Chief Arvind Kejriwal and BJP leader Jagdish Mukhi. He added, the public will now have a complete chance to choose an honest government. He also said the people now know that BJP was trying to buy MLAs to form government but failed. तो ये बहुत अच्छी बात है। दिल्ली के लोग बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे, पिछले 8 महीने से इंतजार कर रहे थे कि एक बार ये विधानसभा भंग हो तो उसके बाद वापस दिल्ली में एक ईमानदार सरकार को लाने का रास्ता साफ हो। अब एक बार फिर से दिल्ली के लोगों के सामने मौका आ गया है कि वो अपने एक शासन के रूप के लिए ईमानदार मुख्यमंत्री को चुने या एक बेईमान मुख्यमंत्री को चुने, उनको अब आने वाले समय में ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुनना है या जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बनाना है दिल्ली का, क्योंकि कांग्रेस कहीं दौड़ में है नहीं। कुल मिला के और मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता वो बता दें, कल हमें पता चला कि जगदीश मुखी जी उनके लेजिस्लेटिव लीडर घोषित किए गए थे, उन्होंने जिसको विधायक दल का नेता चुना वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में काफी लोगों ने कई बार उनका नाम भी लिया था जगदीश मुखी जी का, तो अगला चुनाव तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए होना है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ जगदीश मुखी होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और को प्रोजेक्ट करती है तो उसके बाद में बात करेंगे। मुकाबला तो मुख्यमंत्री के लिए होना है, मुकाबला मुख्यमंत्री का होना है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ जगदीश मुखी होंगे या उन जैसा कोई और व्यक्ति होगा।